येस yes ऑल Welcome to ट्रेड टू वीकली वेबिनार माई नेम इज दर्शन पाटिल एंड आई एम एन इंटराडे ट्रेडर आप सभी से हर वीक पे मुलाकात तो होती ही है फ्राइडे को सो बेसिकली आज भी हम ये सेशन कंडक्ट करें जहाँ पे हम कुछ कंसेप्ट और सारे uh, सीखेंगे सब देखेंगे कौन से कंसेप्ट से लाइव मार्केट के कुछ क्वेरीज चेक करेंगे सो विल बी गोइंग थ्रू ऑल कंसेप्ट ऑल दी लाइव मार्केट क्वेरीज या जो भी आफ्टर मार्केट क्वेरीज है एंड आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ गुड डॉक्यूमेंट फॉर यू गाइस ताकि आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि कैसे एक्जैक्टली exactly हम कैसे ट्रेड करते हैं ट्रेड क्लू के लेवल्स देख के या ट्रेड क्लू के स्टॉक्स चूज करके स्टॉक्स चूज करके विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड क्लू लेवल्स एंड ऑल दो थिंग्स तो आपको भी एक क्लियर आइडिया आ जाएगी थ्रू आउट द सेशन विल बी गोइंग थ्रू ऑल दिस पॉइंट तो आपको भी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगी उनको ये करने के लिए ठीक है तो एक हम फ्यू पार्टिसिपेंट्स को मैं ऐड कर लेता हूँ आई गेस दे आर इन वेटिंग रूम तो हम कंटिन्यू स्टार्ट कर देंगे और प्लस आपको जो भी क्वेरीज होगी ड्यूरिंग द सेशन यू कैन पोस्ट इट इन चैट बॉक्स तो एक बार ये जब कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे तो विल गो थ्रू दिस क्वेरीज और जो भी और स्पेशली मैं सभी को थैंक्स बोलना चाहूंगा आपका जो न्यू ईयर ऑफर के लिए हमारे जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है ऑब्वियसली इट वॉज एन अमेजिंग थिंग की यू आर स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन दी ट्रेड फ्लू लेवल्स या जो भी अलर्ट्स आते हैं या जो भी क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स है हमारे पास की जो खुद से भी ट्रेड कर रहे और वेरी इफेक्टिवली दे आर ट्रेडिंग क्योंकि हमें अच्छा रिस्पॉन्स आता है आपसे तो एक अच्छा ही बात है और प्लस दोज आर न्यू टू दिस टूल जो डेमो यूजर्स नए डेमो यूजर्स है तो उनके लिए भी एक मैं अनाउंस uh, करना चाहूंगा कि जब भी आप यूज करते हो तो बहुत सारे लोगों को क्वेरीज होगा कि सर लाइव चार्ट अपडेट नहीं होते तो ऑब्वियसली डेमो यूजर्स के लिए लाइव फीचर जो है वो अपडेट नहीं है क्योंकि डीले रहेगा आपका लाइफ टिक्स में बट एज यू कैन सी माई प्रीमियम आई डीज देयर सो ऑब्वियसली दो गाइड हु फॉर द चार्ट दे बी गेटिंग गुड लाइफ टिक्स प्रोपर लाइफ टिक्स इन लाइन तो उसमें कुछ आपको क्वेरीज आएगी नहीं तो ये एक आप बस ध्यान दीजिए जो भी नए डेमो यूजर्स हमारे साथ क्रिएट हुए हैं जुड़े हुए है और जो पेड यूजर्स है बेसिकली आप भी मेक श्योर कीजिए कि आपके भी लाइफ टिक्स प्रॉपर है अगर आपको कोई भी इश्यूज आती है कुछ भी आते हैं तो यू कैन कनेक्ट विथ मी और व्हाट्सएप हमारा जो सपोर्ट नंबर है हमारा सपोर्ट ईमेल आईडी है वो मैंशन है लॉग इन स्क्रीन पे तो यू कैन कनेक्ट विथ अस एनी टाइम ऑन व्हाट्सएप बेसिकली आई एम वी आर वेटी मच एक्टिव अगर आप कॉल करते हो तो ऑब्वियसली वी कैन वी विल कॉल बैक थ्रू आर सपोर्ट टीम बट आपको जो भी क्वेरीज आती है उसमें आप पोस्ट किया करें ताकि इवन वी विल गेट टू तो अंडरस्टैंड व्हाट आर योर डिफिकल्टीज एंड एवरीथिंग so, सो दिस इज ऑल एंड प्लस uh, जो भी है बेसिकली आप ये भी एक मेक श्योर करिए कि यू आर देयर इन डेमो व्हाट्सएप ग्रुप या पेड व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप पेड क्लाइंट हो आपने अगर सब्सक्रिप्शन uh, लिया हुआ है मेक श्योर यू आर देयर इन अ प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप जहां पे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे जो भी स्टॉक्स है बेसिकली जो भी इंडेक्स uh, की कमेंट्री है एनालिटिकल लेवल्स है ये सारे आपको अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे हम अभी थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने वाले लाइक लास्ट वीक इफ यू हैव सीन कि वी हैड स्टार्टेड पोस्टिंग सम निफ्टी बैंक निफ्टी वीडियोस बट वील ट्राई टू स्ट्रीमलाइन इट ओवर टू आर यूट्यूब चैनल जहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे ये मिलते जाएंगे और प्लस वो प्रीमियम सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर्स के ग्रुप में लाइव अपडेट किए जाएंगे so we are trying to streamline it by January itself from second of January itself. so give us some time on that. but uh, obviously on regular basis we have started coming up with these videos. तो aapko bhi ek understanding ho jayegi और plus we'll be discussing also kya galtiyan basically mostly जो uh, clients हैं वो कर रहे हैं कि जब green dots कब trade करने हैं. do we need to trade every green dot? do we need to trade every red dots? तो ये चीज भी हम थोड़े in detail में आज समझेंगे और follow through करेंगे इसपे. और जो भी आपको क्वेरीज है यू पुट इट इन दी चैट बॉक्स तो उस हिसाब से हम ये करेंगे और जिनको भी न्यू ईयर ऑफर जैसे किसी ने पूछा है कि सर न्यू ईयर ऑफर का कब तक वैलिडिटी है सो न्यू ईयर ऑफर वैलिडिटी इज ओनली टिल सेकेंड ऑफ जैन सो आई गेस टू डेज आर रिमेनिंग तो आप मेक श्योर कीजिए अगर आपको ऑफर लेना है बिकॉज यूजअली आप प्लान फॉर मंथली इज टू थाउजेंड रुपीज सो so, मंथली अगर आप टू थाउजेंड भरते हो तो बहुत सारे क्लाइंट्स है ऐसे मंथ ऑन मंथ रिन्यूअल करने वाले बट ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ वन ईयर यू आर गोइंग टू पे ट्वेंटी फोर थाउजेंड तो राधा

फोर फाइव मंथ्स और सो आई डोंट नो बट तभी आपको तब तक वेट करना पड़ेगा या एटलीस्ट यू कैन गो फॉर आर रेगुलर प्लान विच आर मंथली टू थाउजेंड क्वार्टरली या जो भी प्लान है जो आपके स्क्रीन पे मैंशन किए गए तो विल स्टार्ट विद देशन इट सेल्फ राइट अवे आई होप एवरीबडी इज कनेक्टेड वेल कनेक्टेड ऑन द स्क्रीन और सबको स्क्रीन विजिबल है वॉइस ऑडिबल है

पुराने वेबिनार जिन्होंने पहले क्योंकि हमारे अभी ऑलमोस्ट दस बारह तो वेबिनार हो ही चुके हैं नो डाउट्स बहुत लोगों को कंटेंट सिमिलर लगता है क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग ओवर एंड ओवर अगेन देखते हैं तो उनके लिए बस एक ब्रशअप है एक रिविजन काइंड ऑफ है कि रिविजन हो जाता है हर फ्राइडे को कंसेप्ट का बट जो नए क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े उनके लिए नए है तो ऑब्वियसली वी ट्राई टू इम्प्रोवाइज ऑन अर कंसेप्ट और जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो उसमें एक क्लियरिटी आपको मिलने वाली है सो आ फर्स्ट थिंग इज की देखो सबसे मेन फीचर जब आप ट्रेड क्लू पे देखते हो तो या मोस्टली आपने जब भी कोई एड देखा होगा या रौनक मुन्द्रा जी का जो हमारे बेसिकली सर है रोनक सर जी तो उनका अगर आपने अगर एड देखा होगा तो यू माइट बी सींग दिस ग्रीन बॉक्सिस रेड डॉट्स ये सब कुछ आपने राइट right, चेक किया होगा तो ये चीज क्या है ये सब हमारे जो मेन फीचर्स है इसके बारे में हम पहला एक तो चेक करेंगे पीपल आर स्टिल ज्वाइनिंग इन सो आई जस्ट एडमिट इन दीटिंग तो जैसे रेड बॉक्स हो गया तो ये सारे क्या है तो ये हम एक थोड़े कंसेप्चुअल वे में हम चेक करेंगे तो आई होप जिसको भी क्वेरी रहेगी कि लाइव मार्केट में प्राइजेस चलते नहीं है तो आई होप आपकी क्वेरी सोल्व हुई रहेगी कि लाइव प्राइजिस चलते हैं टिक बाय टिक और प्लस और एक होता है कि मेजरली के जो हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं दोज हु आर रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया बेसिकली सो दे फेस दिस डिफिकल्टी मच इनफ बिकॉज व्हाट हैपेंस दे आर देर क्लॉक इज नॉट एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सो समटाइम्स दिस इशू माइट हैपन दोज क्लाइंट्स हुआ फ्रॉम दुबई दोज क्लाइंट्स हुआ फ्रॉम यूके यूएस तो उनके लिए बहुत uh, इशू होता है तो जस्ट मेक श्योर वन यूर योर वन एवर यू आर यूजिंग दिस ट्रेड क्लू प्लेटफॉर्म मेक श्योर यूर

आपकी सॉल्व uh, क्वेरी हो जाएगी उसमें ओके देन सो बेसिकली देखो फर्स्ट कांसेप्ट आता है रेड बैंड और ग्रीन बैंड का और रेड बॉक्स और ग्रीन बॉक्स का सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक क्लैरिटी मैंने जैसे यहां पे लिखा है कि मेजर सेलिंग जोन अभी जो रेड बॉक्स और रेड बैंड जब भी आप कोई भी चार्ट पे देखते हो रिगार्डलेस निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स जो भी है तो उसमें रेड बॉक्स और ग्रीन बॉक्स का मतलब क्या होता है कि इट इज अ मेजर सेलिंग जोन मेजर बाइंग जोन मतलब यहाँ पे एक बड़ा सेलर प्रेजेंट है यहाँ पे एक बड़ा बायर प्रेजेंट है सिमिलर वे नेक्स्ट फीचर हम चेक करते तभी हमें चेक होता है कि रेड और ग्रीन डॉट्स भी जनरेट हो रहे हैं ट्रेड प्लू चार्ट तो ये रेड और ग्रीन डॉट्स क्या है ये एक बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर बन रहे हैं अभी ये भी हम डिस्कस करेंगे कि ये सर ग्रीन का रेड होता है रेड का ग्रीन होता है उस पर भी हमने एक थोड़ी क्लैरिटी देने की कोशिश की है उसमें प्लस ये क्या है जब भी आप चार्ट कोई भी रैंडम चार्ट चेक करते हो अभी और एक लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर ये स्टॉक में रेड बॉक्स नहीं है ये स्टॉक्स में ग्रीन बॉक्स नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो stocks, जो red और green boxes या dots जो स्टॉक्स रेड और ग्रीन बॉक्सेस या डॉट्स है ये तो आपके हर स्टॉक या हर इंडेक्स uh, में नहीं होगा कि हर दिन आपको रेड बॉक्स और रेड बैंड नहीं मिल सकता है राइट right? तो जब भी एक ये कोडेड कंडीशंस है तो ट्रेड क्लू इज काइंड ऑफ वी हैव कोडेड सम कंडीशंस ओवर इट रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम और प्राइज के बेसिस पे तो जो लोग प्राइज एक्शन लवर्स है बेसिकली जो ट्रेड करते हैं प्राइज एक्शन के बेसिस पे देखो इस पे मैंने ना कोई कॉमनली यूज इंडिकेटर यूज नहीं किया है जैसे आर एस आई बॉलिंगर बैंड या ये सारे जो कॉमनली यूज इंडिकेटर्स है ये हमने खुद के इंडिकेटर्स कुछ प्रोवाइड किए गए हैं जहाँ पे आप

So, basically, देखे, जबी भी आप red box या green box देखते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि का का मतलब 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 होता होता है 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 एक एक मतलब यहाँ पे एक बड़ा बायर प्रेजेंट है सो प्रिटी मच क्लियर इनफ और ग्रीन डॉट्स रेड डॉट्स कब जनरेट हो गए जब वहां पे लाइव मार्केट में ओ आई जनरेट होगा तभी अभी ये जो रेड और ग्रीन बॉक्सेस या बैंड्स जो है ये हमें आफ्टर मार्केट बेसिस पे मिले, मिलते हैं तो मतलब एक दिन पहले ही आई एम प्रिटी मच श्योर की वन डे प्रायर इट सेल्फ आई एम प्रिटी मच श्योर की मेरे पास ये ब्रेकआउट के जोन है बस मुझे नेक्स्ट डे मुझे ये चीज पे रुकना है कि जब भी प्राइस क्रॉस करेगा दैट टाइम आई एम प्रिटीमच श्योर की मुझे रेडी रहना है मेरे ब्रेकआउट के साथ या मेरे ट्रेड एग्जीक्यूशन के साथ तो जब हम ईओडी एनालिसिस जैसे हम बोलते हैं वो आपका फाउंडेशन होता है जैसे आप कभी बिल्डिंग कभी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन एक टॉल टावर का कंस्ट्रक्शन पे स्काई बन रहे तो वो लोग कितना डीपली वो पहले फाउंडेशन बनाते अपने बिल्डिंग का उसी तरह जब आप एक स्टॉक मार्केट में जब आप एंटर करते हो अगर आप इंट्राडेट ट्रेडर हो अगर आप पोजिशनल या जो भी आप ट्रेडर हो अगर आप एनालिटिक्स नहीं कर रहे हो उसके ऊपर बेसिकली सो बेसिकली उसके बेसिस पे आपको ये ट्रेड लेना है कि पहले हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस पे ध्यान देंगे इसलिए मैंने फर्स्ट टॉपिक रखा है आफ्टर मार्केट एनालिसिस फिर आपका जो होता है ट्रेड एग्जीक्यूशन के पैटर्न क्या क्या केसेस हो सकते हैं क्योंकि हर टाइम तो बुक बुक पैटर्न में आएगा नहीं कि सर डबल बॉटम ऐसे ही बन गया डबल टॉप ऐसे ही बन गया ऐसा तो होने नहीं वाला है राइट So होगा. तो अभी जैसे भी मुझे एल सी की वहां पे सेलिंग जोन अवेलेबल है ठीक है तो ये आपकी एक डाउट क्लियर हो गई अभी नेक्स्ट थिंग नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि रेड ग्रीन डॉट्स सेम वेज रेड ग्रीन डॉट्स के ऊपर हमने एक प्रॉपर एक ये बनाया तो हम विल कम टू इट लेटर ऑन

को हम कुछ स्टॉक्स स्टॉक्स देते हैं हैं जो फोकस में बेसिकली ट्रेड किए जा सकते जैसे एक प्रीवियसली uh, एक डॉक्टर रेडी था या ऐसे परफॉर्मेंट में कुछ स्टॉक्स दिए जाएंगे जहां पे हम यूजुअली ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं तो ये काइंड ऑफ ब्रेकआउट ट्रेड्स होते हैं और उसके बेसिस पे हम ये ट्रेड लेते हैं तो एजेंडा वही होगा कि आपको कैसे ट्रेड करना है और क्या ट्रेड करना है स्टॉक्स टू फोकस में जो दिए जाएंगे वो डायरेक्टली ब्रेकआउट स्टॉक्स हो गए और जो ड्यूरिंग द मार्केट ट्रेड किए जाएंगे वो भी ब्रेकआउट और काइंड ऑफ रिवर्सल स्टॉक्स दिए जाएंगे सो फर्स्ट रहेगा आपके आफ्टर मार्केट क्वेरी तो आफ्टर मार्केट क्वेरी में जब भी आपको रिवर्सल ट्रेड करना है अभी देखो दो फॉर्मेट होते हैं मार्केट में मार्केट इधर रिवर्सल लेगा या तो ब्रेकआउट लेगा अभी आपको पता होना चाहिए कि मार्केट रिवर्सल कब लेता है और ब्रेकआउट कब बेसिकली होता है मार्केट में तो मार्केट में रिवर्सल कब होगा जब स्टॉक कंटिन्यूअस्ट नीचे गिर रहा है और फिर वहां से रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं बराबर उस हिसाब से स्टॉक अगर कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहे कंटिन्यूअसली एज इन अगर दो या तीन दिन से या लगातार तीन चार दिन से एटलीस्ट मोर देन टू डेज अगर कंटिन्यूअसली फॉल या कंटिन्यूअसली अपसाइड आ रही है तो यू नीड टू प्लान फॉर वट रिवर्सल जितना ज्यादा अपट्रेंड उतना ज्यादा रिवर्सल का चांसेस और ये रिवर्सल क्यों आता है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग लाइकली होती है एक सर्टेन पॉइंट के बाद अभी ये कौन सा पॉइंट है कौन सा जंक्शन है प्रॉफिट बुकिंग का तो ये चीज ट्रेड क्लो आसान कर देते कि हमने वहां पे ग्रीन बैंड या रेड बैंड प्लॉट किए गए है तो जहां पे मेजर बाइंग जोन है समझो प्राइस ऑलरेडी गिरते आ रहा है और वहां पे अगर समझो ग्रीन बैंड अवेलेबल है तो ये एक मेजर रिवर्सल पॉइंट आपका हो जाएगा तो ये एक आप मेक श्योर कीजिए जब भी प्राइस प्रॉपरली गिर रही है कंटिन्यूअसली तो आई एम प्रिटी मच श्योर की प्राइस जो रिवर्सल होने के हाई प्रोबेबिलिटी अभी ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कोई हमारा जो ये है वो 100% चलेगा बट ऑब्वियसली नीड टू बी थोड़ा डायनामिक आपको होना पड़ेगा अगर आप भी एफर्ट्स डालोगे हम तो खुद भी एफर्ट्स डाल ही रहे आपके साथ बट अगर आप भी एफर्ट्स डालोगे चेक करने के लिए तो प्राइस गिर रहा है सस्टेन कर रहा है फिर वी विल बी गोइंग टू प्लान आउट फॉर अ रिवर्सल बेटर सिमिलरली अगर प्राइस कंटिन्यूसली दो या मोर देन टू डेज अगर चल रहा है ऊपर थ्री डेज से तो वो आपको रेड बैंड से रिवर्सल के लिए प्ल, प्लान आउट कर रहा है और सेम वे हमने जो आज पोस्ट किया था तो आपको एक आइडिया आ जाएगा की वाई वी एड एग्जैक्टली पोस्टेड आइसर मोटर वॉट वॉज द रीजन बिहंड रिवर्सल में था आइसर मोटर कंटिन्यूसली एक अपटिक में चल रहा है फॉर फ्यू डेज और ये और एक्चुअल में देखो आप अगर चेक करोगे इट इज थर्टी वन सिक्सटी टू समेर अराउंड थर्टी टू एटी मतलब एक प्रॉपरली हंड्रेड पॉइंट का मोमेंटम हो गया था कल के दिन में कल मंथली एक्सपायरी था और देखो रेड बैंड से ही हम रिवर्सल के लिए प्लॉट इन कर रहे थे नो डाउट फर्स्ट कैंडल में वो गिर गया बट एटलीस्ट वी कैन सी की हमारी जो एनालिटिक्सो आप यू विल बी राइट टेन में से आप सात बार राइट हो जाएंगे, बट जब आपके एनालिसिस राइट होते तब आपको और ज्यादा खुशी होगी कि एटलीस्ट आई एम ऑन द राइट ट्रैक टू बिकम अ प्रॉपर ट्रेडर जब आप वो चीज जब आप कंटिन्यूसली जब फॉलो करोगे तभी आपको एक बोलते हैं ना कि सक्सेसफुली आप जब मंथ ऑन मंथ बेसिस पे पैसा मीन करोगे तभी आपको एडवांटेजियसली प्रॉफिटेबल होगा तो एजेंडा ये है कि जब आप कंटिन्यूस मूवमेंट हो रही है तो मेक श्योर sure कि रेड बैंड आ रहा है तो रेड बैंड तो आपको एक दिन पहले मिल रहा है जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर गिविंग दिस ऑन प्री मार्केट बेसिस ही आफ्टर मार्केट बेसिस ही आपको ये अवेलेबल है बॉक्स और बैंड तो यू आर प्रिटी मच रेडी कि चलो कल जाके आइसर मोटर अगर इधर मिल गया तो मैं डायरेक्टली सेल कर दूंगा एंड एंड ऑल्सो वी हैव मेनी क्लाइंट्स की मुझे भी आज सुबह से मैसेज आए बहुत सारे क्लाइंट्स थे कि सर वी हैड सोल्ड फ्यूचर्स वी हैव टेकन शॉर्ट ट्रेड ऐसे भी क्लाइंट्स है जो हंड्रेड रुपीज का भी रिस्क लेकर ट्रेड कर तो दे आर प्रिटी मच हैप्पी विथ द टूल की एटलीस्ट देर नो की पता है उनको कि हमें अभी राइट right ट्रैक पे तो देट इज अ गुड थिंग एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू एड्रेस देअर क्वेरीज कि आपको थोड़ा ग्राफिकली इजिल हम समझा पा रहे ट्रेडिंग तो वही है हमारा तो बेसिकली जब भी एक्सट्रीम पे जा रहा है रेड बैंड आपको दिया रहेगा अभी ये बेस्ट स्टॉक्स है वो पे देखने आफ्टर मार्केट रिवर्सल में। तो रिवर्सल में में तो देखो बहुत सारे आपको स्क्रिप्ट मिलेंगे अभी इसके अंदर आपको स्टॉक्स में कौन से बेस्ट स्टॉक्स रहेगे बेसिकली वही स्टॉक देखनी है जहां पे एकदम ऐसी एक्सट्रीम मूवमेंट आई है लास्ट डे में या लास्ट टू थ्री डेज से एक्सट्रीमली भाग रहे हैं देखो ये कोडेड कंडीशन है कंप्यूटर है हम तो ह्यूमन बींग्स है राइट तो हमें ट्रेडिंग की थोड़ी हम डायनेमिक रहेगी ऑब्वियसली ये हमें स्टॉक स्कैन करके तो दे रहे हैं बट हमें एक डायनामिकली रहना पड़ेगा कि क्या ये स्टॉक साइडवेज है जैसे जैसे मैंने बताया कि ब्रेकआउट साइडवेज जब होगा तब ब्रेकआउट होगा तो और एक कंडीशन आती है जब मार्केट तीन कंडीशन में चलता है रिवर्सल ब्रेकआउट या बेसिकली साइडवेज अभी रिवर्सल कब होगा वन वे गिर रहा है नीचे फिर अपसाइड आएगी वन वे ऊपर जा रहा है फिर रिवर्सल आएगा और ब्रेकआउट कब होगा जब कंसोलिडेशन में लास्ट दो तीन दिन से है फिर ये ब्रेकआउट अपसाइड हो सकता है या तो डाउन साइड हो सकता है करेक्ट सो दिस इज केस वन केस टू और केस थ्री तो ये आपकी माइंडसेट में क्लियर कट होनी चाहिए कि व्हेन विल व्हाट आर द मार्केट कंडीशंस व्हिच कैन हैपन इन एनी स्टॉक एनी स्क्रिप्ट इंडेक्स कुछ भी ले लो यही चीज होने वाला है रिवर्सल होगा या तो ब्रेकआउट होगा साइडवेज में तो आप ऑप्शन सेलर हो तो वेल इनफ ऑप्शन सेलिंग करते हो तो साइडवेज में ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट होगा ऑप्शन बायर हो तो आपको ये बेस्ट है ऑप्शन बायर के लिए ब्रेकआउट इज द होली ग्रेल फॉर हिम तो एजेंडा ये है कि हमें यही चेक पे रखना है ठीक है अभी आपको कौन से स्टॉक्स में मिलेगा यहाँ पे रिवर्सल अभी जब मैं रिवर्सल स्कैन करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि आइशर मोटर में जो है वो एक कंटिन्यूस अपटिक आई है ए, एक दिन पहले ही आपको पता चलेगा कि कहा पे एक्सट्रीम अपटिक है कहाँ पे एक्सट्रीम डाउनटिक है जेएसडब्ल्यू स्टील सिमिलर वेज बट क्या यहाँ पे रेड बैंड बना है तो रेड बैंड नहीं बना है तो आई वॉन्ट बी सिलेक्टिंग दिक्क स्टॉक तो ऐसे करके ऑब्वियसली इट्स देखो आप मैनुअली भी कर सकते हो और प्री मार्केट में अगर हम भी बेसिकली प्रोवाइड करते हैं तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्टेड हो ऑब्वियसली ये सारे स्टॉक्स ये सारे अपडेट हम स्ट्रक्चर्स रेगुलर बेसिस पे डालते जाते हैं अगर हम अपने अगर लास्ट वीक में कोई ट्रेड लिया होगा हमने एक टाटा स्टील ट्रेड दिया था तो लेट्स हैव अ लुक एट व्हाई दिस ट्रेड वाज गिवन और क्यूजा था अभी ये देखो ये अलर्ट भी आया था आपको 111 पे सेल करना है स्टॉप लॉस 70 पैसे का स्टॉप लॉस है 70 पैसे नॉट इवन वन परसेंट और आपका जो भी टारगेट है उस हिसाब से अभी देखो यहाँ पे लिखा है, और जो है, छोटा है बराबर और आपका रिवर्सल में स्टॉक आया हुआ है अभी ये चीज तो देखो जो परफेक्ट जब आप ट्रेडर बन रहे हो तो आपको एक इमेजिन करना पड़ेगा सेटअप कि ऐसा हो सकता है तो जब आप आपके फर्स्ट माइंड में इमेजिन करोगे तभी जाके अभी देखो जब भी आप आपने कभी कोई मैच देखा होगा या ये होगा तो आप आप अगर या खेले भी हो गए जब तो आप समझो आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपके माइंड में पहले आप क्रिकेटिंग शॉट आपका डिसाइड करते हो ना कि मुझे ऑफ साइड पे बॉल आया तो मैं ऑफ साइड पे ही मारने वाला हूँ तो फर्स्ट आपको पिक्चर ट्रेडिंग में भी आपको पहले पिक्चर आपके माइंड में ही बनाना है कि आ, क्या हो सकता है तो ऑब्वियस यही है कि अगर एक्सट्रीम मूव पे गया है रेड बैंड पे है उधर लेवल्स है अभी इसमें भी और कैसे हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं कि चलो मेरे पास दस स्टॉक आ गए एक्सट्रीम पे गए हैं और उसके अंदर रेड बैंड वगैरह है तो मुझे और इम्प्रोवाइज क्या कर सकता हूं मैं बेसिकली इसमें मंथली रेजिस्टेंस लगा दिया यस्टरडे क्लोज लगा दिया लगा दिया इन देखो यहाँ पे एक हमारे टूल में एक ऑप्शन है टेक्निकल लेवल्स एंड ऑप्शन लेवल्स ना विल वाज मोर प्रिफरेबल देन दी अदर वंस तो अभी देखो अगर मैं आईसर मोटर आज का अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो वाई आइसर मोटर अ गुड फॉल फ्रॉम यर प्लेस करता हूँ तो वी लेवल ओवर ईयर राइट एक यर्सडे क्लोज था और एक पेन का भी लेवल था और प्लस रेडबैंड था तो जब ये तीन चार कन्फर्मेशन आपके साथ है तो देर आर हाई प्रोबेबिलिटी एट्टी टू एटी परसेंट की ये चार्ज आपके फेवर में चले जाएगा राइट right? अभी सेम वेज मेरे अगर वॉचलिस्ट में आपने स्टार्ट में देखा रहेगा कि फेडरल बैंक भी स्टॉक है तो फेडरल बैंक आई एड सिलेक्टेड फ्रॉम व्हाट रिवर्सल क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही माइंडसेट बना था कि आज मुझे ब्रेकआउट ट्रेड करना नहीं है मुझे रिवर्सल ट्रेड करना है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अपट्रेंड में है ज्यादा अपट्रेंड हो चुका है एक्सट्रीम पे गए है स्टॉक्स तो ये मैं ज्यादा करके मैं रिवर्सल के लिए प्लान करूंगा क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगा तब मुझे में चला गया, बट फेडरल बैंक में क्यों अच्छा ब्रेकडाउन नहीं आया क्योंकि देखो रेड बैंड तो है बट आर देर एनी मेजर रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बस एक यस्टरडे क्लोज ही अवेलेबल है अभी ये बी जो लाइन होता है बेसिकली हाइस्ट वॉल्यूम लाइन है सो दिस वॉल्यूम सो Volume, तो तो आप तो morning आपको एक इंपॉर्टेंट बेसिस पे सपोर्ट या ट्रेल किया होगा लाइक like, एक कोई तो मुझे क्लाइंट है हमारे आ, है, उन्होंने मुझे पूछा था अ आई फ्यूचर ऑप्शन हो यारूचर हमने ट्रेड किए एक लॉट पे और हमने यहाँ पे सेल कर दिया तो उनको मैंने बता दिया कि बस आप इधर स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए अभी इधर मैंने क्यों बोला स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए क्योंकि तभी प्राइस यहाँ पे चल रहा था और आपकी बी एस एल लाइन अभी यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो बी एस एल लाइन इज ऑलरेडी हाएस्ट वॉल्यूम वाला लाइन है तो उसके ऊपर भी अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर दोगे तो आप ऑलमोस्ट नो रिस्क पे बैठे हो क्योंकि आपकी फर्स्ट यहाँ पे थी बाद में यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया फिर अगर नीचे जाता है तो आप वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो यहाँ आपकी आपकी हिट हो जाएगी तो यही हमें बस और लेवल्स हमें बस इसमें इम्प्रोवाइज करने हैं बट एजेंडा ये हुआ कि आपका जो फेड बैंक था फेडरल बैंक था यहाँ पे क्यों उतनी डाउन सेल नहीं आई डाउनफॉल क्यों नहीं आया क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है सिर्फ रेड बैंड तो है बट नॉट रेजिस्टेंस सो दो स्टॉक्स है उसमें ज्यादा फेवरेबल आइशर मोटर वाई बिकॉज देर इज मंथली सपोर्ट मैक्स पेन के को भी यहाँ पे टच करके आया और जो लास्ट का मूवमेंट है दैट इज टू मच एक्सट्रीम अगर मैं कैलकुलेट भी करते जाऊँ तो लास्ट के आर में ऑलमोस्ट टू पॉइंट फाइव परसेंट वो बढ़ा है समझ रहे हो आप टू पॉइंट फाइव परसेंट जो यूज पे रिटर्न मिलता है तो ये ऑलरेडी आपको एक लास्ट दस मिनट में बढ़ गया है तो इसलिए आप चांसेस है कि प्रॉफिट बुकिंग आने की बहुत बढ़िया चांस हो जाती है रेड बैंड तो आई होप दिस रिवर्सल थिंग इज प्रेटी मच क्लियर कि रिवर्सल मुझे तभी ट्रैक करना है जब वन वे अपवर्ड मूवमेंट है सिमिलर वेज आपके जो ब्रेकआउट पैटर्न है जैसे मैंने बताया कि आपको रिवर्सल कब ट्रेड करना है प्राइस रिवर्सल रिवर्सलबाव ग्रीन बैंड या प्राइस रिवर्सल बिलो ग्रीन बैंड बराबर ये रिवर्सल है ना बिलो ग्रीन बैंड सिमिलर वेज प्राइस रिवर्सल ग्रीन बैंड अभी सी आई आई हैव एनी केसेस तो डॉक्टर रेडी एक था जो रिवर्सल में भी था ब्रेकआउट में भी था और कुछ दिन पहले हमने प्रीमियम ग्रुप में वो अलर्ट भी दिया था स्टॉक कंटिन्यूअस्ल एक डाउन ट्रेंड में था और देखो ग्रीन बैंड यहाँ पे अभी मैंने आई गए स्क्रीनशॉट लेते समय लेवल्स प्लॉट नहीं किए बट आई थिंक आई हैव इट इन प्रीमियम ग्रुप लेट्स लेट मी चेक यहां है ठीक है तो बेसिकली डॉक्टर रेडी वर प्लानिंग फॉर बाय ट्रेड अभी देखो हम ब्रेकआउट कब ट्रेड करते हैं तो ब्रेकआउट बेसिकली हम इस सिनेरियो में हम ट्रेड करेंगे जब बेसिकली मार्केट इज गोन साइड ये क्या है एक रेंज है तो रेंज के बाहर ही ब्रेकआउट होगा राइट सिमिलर वेज आपका जो डॉक्टर रेडी वाला पैटर्न था जहां पे हमने दो दिन से बेसिकली हम बता रहे थे कि वी आर प्लानिंग तो अभी डॉक्टर रेडी में मजेदार बात ये थी कि बेसिकली आपका देखो आपके पास एक कोविड का भी न्यूज चल रहा है मार्केट में राइट कोविड केसेस इंक्रीज हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड या एटलीस्ट इन चाइना और ये सब आर टीपीसीआर का न्यूज है तो ऑब्वियली फार्मा सेक्टर को एक थोड़ा बहुत बूस्ट रहेगा अगर आपके फेवर में अगर वो स्टॉक है एक दिन नहीं चला जैसे हमने बताया यहाँ पे कि एक दिन नहीं चला तो लेट इट स्टे नियर टू द ब्रेकआउट लेवल और उसके बाद आप प्लान आउट कर सकते हो और नेक्स्ट डे तो डायरेक्टली गैपअप खोल के ऊपर चला गया दैट वॉज प्रेटी मच फास्ट इनफ बट वही माइंड होना चाहिए कि, कि किस दिन हमें ब्रेकआउट करना है किस दिन हमें रिवर्सल ट्रेड करना है तो आई होप जो क्लाइंट हमें पूछ रहे थे कि डिवी स्लैब रिवर्सल के लिए तो रिवर्सल uh, में आए हैं होप कि आपको एक आइडिया आ जाएगी कि रिवर्सल कब हमें ट्रेड करना है जयंत जी वॉज आस्किंग मी कि रिवर्सल कब ट्रेड करना है तो रिवर्सल आपको मैंने एक इजियर वे ऑफ रिवर्सल के स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए बताए हैं कि जो स्टॉक्स एक्सट्रीम में गए हैं रेड बैंड है वहां पे मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है यू कैन ट्रैक दोस रादर देन जस्ट गोइंग रैंडमली इनटू एनी स्टॉक्स और देखो हमें स्टॉक्स ढूंढने नहीं है स्टॉक्स हमारे बराबर हाथ में आने चाहिए पढ़ने चाहिए तो वही है हमें ज्यादा ज्यादा ये नहीं करनी है ज्यादा मेहनत नहीं करनी है ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने और नीरज जी आई होप माई वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्योंकि बाकी लोगों को तो आई गेस ऑडिबल है नहीं तो बहुत सारे चैट्स में आ जाते थे नो वॉइस करके तो आप एक बार आपके एंड पे चेक कर लो कि कैसे आ, वॉल्यूम है और ये सारे

आई होप दिस इज वेटी मच क्लियर तो आपको ये क्लियर क्लियरिटी आ जाएगी कि कैसे हम ब्रेकआउट बेसिकली ट्रेड करना है रिवर्सल अभी ये मनापुरम एक रिवर्सल एग्जाम्पल था यही वीक का है ये example है आई गेस काम्पल्टी एग्जाम केस आया था जहाँ पे देखो स्टॉक कंटिन्यूस फॉल हो रहा है अभी देखो यहाँ पे कितने सारे लेवल्स है मंथली सपोर्ट यस्टरडे क्लोज था हाई प्लस मैक्स पुट ओआ है और ये स्टॉक आया है हमें मनपुरम रिवर्सल में आया है. तो एक दिन पहले मुझे पता है कि स्टॉक में कंटिन्यूस फॉल है और फिर यहाँ पे एक पैटर्न बना के अभी हमारे एग्जीक्यूशन पैटर्न क्या हो सकते हैं रिवर्सल में इधर इट विल बी डबल बॉटम या ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट सॉरी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मतलब ऐसे जो आपका ट्रेंडलाइन ब्रेक होता है तो ये दो पैटर्न आपको याद रखने पड़ेगे तो आप अगर ये कुछ पैटर्न बन जाता है यहाँ पे तो आई एम प्रिटीमच श्योर की स्टॉक इज सस्टेनिंग अबाउट द ग्रीन बॉक्स या ग्रीन बैंड बेसिकली ठीक है सो so, आपको अगर uh, और चेक करने हैं कर, केसेस तो बेसिकली मैं आपको एग्जीक्यूशन पैटर्न के बारे में एक थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा कि आपको डबल बॉटम हो गया बाय के लिए राइट right? और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बेसिकली जब ऐसे ऐसे ट्रेंड लाइन बनाते जा रहे हैं तो मेक श्योर sure कि ये ऊपर के साइड पे आप यहाँ पे ट्रेड करते हो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे और ये सब चीज कहां पे देखनी हमें ग्रीन बैंड पे राइट right? रिवर्सल जब आप ट्रेड करोगे सेम वे जब आप ब्रेकआउट ट्रेड करोगे तो इट विल बी काइंड ऑफ अ एनवाई पैटर्न ऑन वन मिनट थ्री मिनट फाइव मिनट इसमें भी आपको मिलता है डायरेक्ट ट्रेड करते हो तो अभी देखो दिक्कत क्या होती है एक टाइप ऑफ ब्रेकआउट होता है जो डायरेक्ट हो जाता है राइट right? एक ब्रेकआउट होता है जो डायरेक्ट हो जाता है डायरेक्ट एज इन जैसे ही मार्केट खुल गया ऊपर चले गया तो उसमें क्या कर सकते हो आप आपकी क्वांटिटी है जो स्प्लिट कर सकते हो तो इधर सपोज इफ आई एम ट्रेडिंग विद हंड्रेड क्वांटिटी जिसो हम एटी ट्वेंटी रूल बोलते हैं कि सपोज आप ट्रेडिंग हंड्रेड क्वांटिटी तो फर्स्ट क्वांटिटी आप बिस्क का मार दो जब रेड बॉक्स क्रॉस हो रहा है उसके बाद का क्वांटिटी आप 80 का मार दो अगर आप लॉट या फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो तो एक लॉट पहले बाय करो अगर मल्टीपल लॉट ट्रेडर हो तो नहीं तो सेकंड लॉट अगर आप वन लॉट का ट्रेडर ट्रेडिंग करते हो तो सिर्फ यही जब पैटर्न बनेगा अपना एनवाई पैटर्न उसी टाइम पे आप पूरा लॉट मार दो तो वही हमें बस फॉलो अप रखना है उसी बेसिस पे तो हम कुछ केसेस देखेंगे के, ब्रेकआउट के भी अभी ब्रेकआउट का अगर कोई केस देखना है तो लेट्स कैन बैंक जो वॉल्यूम बजर में था अगर आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक रिवर्स होके जा रहा है तो समझो आपने यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड लिया मैंने यहाँ पे बीस क्वांटिटी का ट्रेड लिया अगर ये नीचे जाता है तो ये आपका एसल हो जाएगा अगर ऊपर जाता है तो बीस क्वांटिटी आपकी प्रॉफिट में चले जाएगी ठीक है आपका रिस्क रहेगी स्मॉल क्योंकि आपने आपकी ट्रेड वैल्यू ऑलमोस्ट वन फोर्थ कर दी है वही चीज अगर रिवर्स होकर अगर आपकी निकल रही है ऊपर के साइड पे लाइक आपका ब्रेकआउट हो रहा है इफ योर ब्रेकआउट इज एपनिंग आफ्टर अ गुड रिवर्सल पैटर्न अबाउट द रेड बॉक्स या अबाउट द रेड बैंड तो और उसके पहले देखो स्टॉक इज साइडवेज तो ये ब्रेकआउट फ्रेंडली है स्टॉक मतलब ब्रेकआउट के लिए वी आर प्लानिंग फॉर इट और उसके बाद ये शॉर्ट अप होता है अभी ये तो बोल रहे हो कि ये पहले के एग्जाम्पल्स दिखा के क्या होने वाला है तो लेट्स चेक विथ टूडेज एग्जाम्पल तो टूडेज एग्जाम्पल अगर मैं चेक करता हूँ तो एक बजाज फिंसअ करके एक स्टॉक है वो सबका इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टॉक है बहुत ही है तो अभी आप देख सकते हो अभी जैसे अगर मैं ट्रेडर हूँ एज अ ट्रेडर अगर मैं बैठा हुआ यहाँ पे मुझे तो इतना हिस्ट्री पता है कि ये स्टॉक गिरा हुआ स्टॉक है साइडवेज मोमेंटम में रेड बैंड है राइट अभी मैं इस चीज में क्या करूंगा आई विल प्लान फॉर अ ब्रेकआउट ट्रेड नॉट अ रिवर्सल ट्रेड मैं प्लान नहीं करूंगा रेड बैंड पे क्यों क्योंकि स्टॉक एक्सट्रीम में भागा हुआ है क्या तो नहीं बराबर तो आई विल बी प्लानिंग फॉर अ ब्रेकआउट जर्नी इन दिस स्टॉक नाउ वॉट आई विल बी प्लानिंग तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक पिक्चर बना दो आपके माइंड में सो दिस इज रिगार्ड लेस ऑफ इंडेक्स आप इंडेक्स में भी यही प्लान आउट रख सकते हो बस उसमें बॉक्सेज रह गए नॉट बैंडस रह गए राइट और इंडेक्स में हमने कुछ सेटअप भी डिस्कस करने वाले थ्रू आउट द सेशन तो देखो उसमें बेसिकली क्या करना है हमें कि जब ऐसा कुछ होगा तो आई कैन एडअप अभी जैसे मैंने आपको ट्वेंटी और एट्टी वाला रूल बताया राइट right? जहाँ पे मैं वन फोर्थ क्वांटिटी फर्स्ट प्लेस करूंगा एट्टी क्वांटिटी में बाद में प्लेस करूंगा इट कैन भी एज पर योर रिस्क ट्रेडिंग कैपेसिटी बट यही चीज है देखो जब ब्रेक आउट होगा तो मैं फर्स्ट लॉट मैंने मार दिया रिवर्स होके जब सेकंड टाइम ऊपर जा रहे तो मैंने सेकेंड मैंने एडअप कर दी पोजिशन हमेशा हम पोजिशन साइज ऊपर ही करते हैं हमें कभी एवरेज करना नहीं है और बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स एवरेज में ही मार खाते हैं क्योंकि एवरेज करते और नीचे नीचे चले जाते हो और आप एवरेज ही करते बैठते हो कभी स्टॉप लॉस लोगे नहीं हमेशा ब्रेकआउट ट्रेडिंग में ऊपर के साइड पे साइजिंग करते जाता है पिरामिडिंग करना उसे बोलते हैं तो उसको बेसिकली हम ऊपर ऊपर बाय करते जाते हैं क्योंकि ब्रेकआउट हमेशा स्विफ्ट होगा कभी वो रुकेगा नहीं वो टाइम पास नहीं करेगा एक बार ब्रेकआउट देना है तो उसको ब्रेकआउट देके जाएगा नहीं तो वो फेक ब्रेकआउट होकर नीचे चले जाएगा सेम वेज अगर आप चेक करते हो यहाँ पे देखो उसने ब्रेक तो किया तो आपकी फर्स्ट पोजिशन ट्रिगर हो गई फिर उसकी रिवर्सल स्टार्ट हो गया रिवर्सल स्टार्ट हो गया ये आज का ही बजाज फिट सब और देखो यहाँ पे उसने प्रॉपरली ये जोन में आपकी जो हो गई नेक्स्ट एंट्री एंटर हो जाएगी आपकी करेक्ट है तो ये चीज हमें देखनी है कि यही चीज फॉलो अप रखोगे तभी आपके आपको ऑब्वियसली रिलीजियसली आप अगर ये चीज डिसिप्लिन फॉलो रख रहे हो आपका स्टॉप लॉस होगा रेड बैंड के नीचे स्टॉप लॉस रखना है आपको और सेमव वेज आपकी ये ट्रिगर यहाँ पे आराम से निकल जाएगा ऊपर तो वही हमें बस एक फॉलो अप रखना है ब्रेकआउट ट्रेडिंग में और रिवर्सल ट्रेडिंग आपको जैसे मैंने बताया डबल बॉटम डबल टॉप या ट्रेंड ट्रेंडलाइन ब्रेकडाउन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ये सिंपल चीजें हैं जो आपको फॉलो अप रखनी है तो आई होप दिस थिंग इज प्रेटी मच क्लियर टू यू आफ्टर मार्केट एनालिसिस कैसे करना है आफ्टर आफ्टर मार्केट मार्केट एनालिसिस में आपको पे क्लिक करना है रिवर्सल में यू विल बी गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ स्टॉक्स फ्रॉम ईयर जिसमें आपको एक्सट्रीम मूव देखना है रेड बैंड देखना है ग्रीन बैंड देखना है कहा पे रिवर्सल है ग्रीन बैंड का जैसे मैंने आपको केस बताया यहाँ पे मनापुरम uh, वाला जहां पे आप देख सकते हो कि स्टॉक फॉलन है सस्टेन कर रहा है और फिर एक अपटिक दे दिया आपको तो यू कैन प्लान आउट लाइक वे आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे आप अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक आउट के पैटर्न से कर रहे हो तो आपकी एंट्री यहाँ पे हो सकती है डबल बॉटम भी हो गया यहाँ पे नो no डाउट तो आपकी स्टॉप लॉस छोटा स्टॉप लॉस रहेगा हमेशा और अगर आप टारगेट नेक्स्ट अपकमिंग लेवल देख सकते हो या स्विंग हाई या ये सब भी देख सकते हो तो टारगेट तो देखो टारगेट मार्केट को देने दो आपकी एंट्री एग्जीक्यूशन परफेक्ट होनी चाहिए दैट इज द मेन क्रक्स टू योर ट्रेडिंग बेसिकली कुछ मतलब स्टॉक्स दे दिए तो ये तो देखो ये स्टॉक्स इट विल बी इधर का ब्रेकआउट ट्रेड ही रह गई है क्योंकि ऊपर के साइड पे निकल गए तो शोर शॉर्ट ये ब्रेकआउट हो जाता है ऑब्वियस है और उसके बेसिस पे ये ट्रेड दिए जाते हैं अभी ये ट्रेड भी आपको कैसे लेना है किस टाइप में लेना है अगर आप कंफर्टेबल uh, लाइक like, अगर आप वन मिनट में कंफर्टेबल हो थ्री मिनट्स में कंफर्टेबल हो कभी कभी आपके ट्रेल एस एल भी कहाँ पे करने होते तो ये भी हम चीज अपडेट कर देते हैं कभी कभी माइट भी तो इसके अंदर भी तीन केसेस हो गए आपके स्टॉक्स में अभी तीन केसेस क्या होते हैं जैसे हमने कुछ स्टॉक्स दे दिए प्री मार्केट के बेसिस पे तो दीज आर गिविन ऑन वॉट प्री मार्केट बेसिस मतलब मार्केट स्टार्ट होने के पहले ही आपको कुछ अलर्ट्स आ जाते हैं जो हम प्रीमियम ग्रुप में यूजली भी पोस्टेड कि ये ये स्टॉक है जैसे एम हो गया कि ये इसके अंदर आपकी ये है फिर आपकी नो एंट्री तो ये सारे हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि क्या है कि ट्वेल्व थर्टी वन को एंट्री अब ट्वेंटी का एसएल मतलब विद इन वन परसेंट आपका एंट्री पॉइंट हो गया और आपका टारगेट देखो तो इंट्रा डे दे में यूनिट टू बी प्रिटी मच क्रिप ऑन योर रिस्क रिवॉर्ड की आपको अगर मॉर्निंग में आपका अगर पैसा बन रहा है या आपको मॉर्निंग में आपको जहां पे भी ट्रेडिंग एस का चांसेस है तो टू अभी आप चेक कर सकते हो एम एम जैसे मैंने अभी हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे के, केस वन क्या है देखो इसके अंदर जैसे हमने कुछ अपडेट दे दिया मॉर्निंग में अभी अराउंड एट थर्टी फाइव ए एम ठीक है कुछ अपडेट दे दिया मॉर्निंग स्टार्ट के पहले एक स्टॉक आ गया एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट ठीक है अभी उसके बेसिस पे हमें क्या देखना है हमें तीन केस मैंने यहाँ पे डिफाइन की है क्या क्या हो सकता है एक स्टॉक में एक तो एक्सट्रीम गैप खुलेगा मतलब डायरेक्टली ट्वेल्व का प्राइस खुल गया कहाँ पे 1250 पे खुल गया समझो 1% के ऊपर तो एक केस हो गया केस टू क्या हो सकता है फ्लैट ओपनिंग मतलब यस्टरडे क्लोज के नीचे जस्ट खुल गया मतलब 1231 का प्राइस है आपका खुल गया प्राइस अराउंड 1223 1225 मतलब 1 ट्वेंटी के अंदर ही खुल गया राइट तो ये एक केस हो गया और थर्ड केस क्या होता है आपका स्लाइड गैप ओपनिंग मतलब थोड़ा सा गैप अप हो गया कि 1235 को खुल गया या 1236 को खुल गया ठीक है तो हम एक थोड़ा यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्मेट में ये रिप्रेजेंट करते हैं कि केस वन आपका क्या होगा यहाँ पे केस वन केस टू और केस थ्री सपोज इफ आई एम बाइंग माई एंट्री लेवल इज वॉटेंड पॉइंटेंड रुपीज मेरा एंट्री लेवल है अभी इसमें क्या हो सकता है एक एक तो तो आपकी भी 1000 की ये लाइन है पे पे राइट यहाँ पे एक तो केस वन जैसे मैंने बताया एक्सट्रीम गैप की डायरेक्ट खुला ही वन थाउजेंड ट्वेंटी पे मतलब दो परसेंट ऊपर खुल गया मोर देन वन परसेंट तो ये केस क्या करना है आपको अवॉइड करना है या गैप डाउन खुल गया मेरा सेलिंग विजन है और मेरा गैप डाउन खुल के डायरेक्ट नाइन पे खुल गया ये स्टॉक तो ये क्या करना है मुझे अवॉइड करना है भले आपके फेवर में खुल गया बट आई वोट बी ट्रेडिंग इट गोइंग केस में क्या होगा बेसिकली वन थाउजेंड का आपका एंट्री प्राइस है और स्टॉक ओपन नाउ वी आर बाइंग ओवर तो आप बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो एंड स्टॉक ओपन समवेयर अराउंड नाइन नाइनटी फाइव या नाइन नाइन्टी एट नाइन नाइनटी फोर ये सब चलेगा विद इन वन परसेंट दस पॉइंट के अंदर खुल गया और स्टॉक यहां से क्रॉस करके जा रहा है

थर्ड केस क्या होगा कि थोड़ा सा गैप अप ओपन हो गया नाउ दिस आर आर वी बाइंग ऑब्वियसली थोड़ा सा गैप अप हो गया मतलब अराउंड थाउजेंड एट पे समझो गैप अप ओपन होता है स्टॉक ठीक है तो एक चांसेस बढ़ जाती है एक तो ये डायरेक्टली ऊपर जाएगा मतलब डायरेक्टली आपका ऊपर चले गया या ये नीचे आके ऐसा थोड़ा बहुत कंसल्टेशन करके फिर ऊपर चले जाएगा बराबर ऐसा कुछ जो लोग ट्रेड करते हैं उनको पता होगा कि ऐसा भी होता है कि गैप डाउन होके फिर रिवर्स होके इट गिव्स एन अपटिक तो ये चीज भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो तो ये इसमें दो तो व्हाट आई एम इंटरेस्टेड हियर आई विल ट्रेड बेस्ट क्वांटिटी राइट दिस थिंग आई विल ट्रेड द बेस्ट क्वांटिटी ये मेरा सबसे फेवरेबल स्ट्रक्चर है कि क्रॉस थोड़ा सा ही फ्लैट ओपन होके इट हैज गुड रूम टू गो अपसाइड राइट और सेम वेज यहाँ पे भी एक वन स्टार दूंगा क्योंकि इस पे मैं क्वांटिटी मेरी थोड़ी हाफ कर दूंगा गैप अप जैसे डॉक्टर रेडी का केस था कि गैप अप तो हो गया बट गैप अप वाज़ ओनली टेन पॉइंट अप देखो सेवेंटी का था एट्टी पे खुल गया मतलब दस पॉइंट मतलब हार्डली जीरो पॉइंट समथिंग वन या टू परसेंट का गैप तो और उसके बाद डायरेक्टली दो परसेंट चला गया तो वो सिनेरियो मैं so so तो मैंने उनको बता दिया ट्रेड कॉशियसली कम क्वांटिटी ट्रेड करो भले प्रो, प्रॉफिट आपको कितना भी मिल जाए क्योंकि हमें प्रॉफिट का लेना देना है ही नहीं प्रॉफिट तो मार्केट देने वाला है हमें एग्जीक्यूशन पैटर्न पे काम करना है हमारे पे जब आप काम तो प्रॉफिट आपके बराबर आपके फेवर में चले जाएगा तो वही है सेटअप्स एंड एग्जीक्यूशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसके बाद आता है मेन थिंग रिस्क मैनेजमेंट क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं मैनेज करोगे तो ये सारा स्ट्रक्चर फेल है कुछ भी काम नहीं करेगा अगर आप स्टॉप लॉस ही नहीं दे रहे हो आप कुछ भी फॉलो अप नहीं रख रहे हो आपको लगता है मार्केट ऊपर ही जाने वाला है आपके फेवर में सब कुछ चलता है तो दिस इज अ क्लियर मिसकसेप्शन अगर ऐसा कोई सब्सक्राइबर ऐसा कोई क्लाइंट मार्केट में आ रहा है या ऐसा कोई पार्टिसिपेंट इसमें आ रहा है तो

तो इसलिए ये केस हमारा फेल हो जाता है क्योंकि अगर 1000 का स्टॉक है डायरेक्टली 1020 ओपन हो गया तो ये ओवरनाइट बायर इज इन 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट राइट तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने की चांसेस बढ़ जाती है और ऑलरेडी अगर आपका ब्रेकआउट लेवल ही 1000 है तो ऑब्वियसली इट इज डन फॉर द डे यू कैनोट ट्रेड दैट स्ट्रक्चर सेम वेज फ्लैट ओपनिंग में क्या होता है कि स्ट्रक्चर नाइन पे खुला है और क्रॉस करके जा रहा है मतलब बायर्स आर ये टू मेक द प्रॉफिट ना मतलब बायर जो एक्चुअल बायर्स है जो बाकी के भी ट्रेडर्स है उनको भी अभी तक प्रॉफिट कमाना बाकी है तो इसके अंदर जो रनअप होता है वो मैक्सिमम होता है तो वील चेक एम एन एम का जो अलर्ट हमने दिया था वो एक चेक करेगा कि हाउ एम एन एम ओपन की जस्ट बिलो दी दिस लेवल अभी था टेन थर्टी वन था राइट स्टॉक ओपन ओवर इंड सी इट एज क्रॉस्ड द जोन सो आई होप दिस इज प्रिटी मच क्लियर जब क्रॉस करके जाएगा रेड बॉक्स तो ब्रेक हो ही गया आपका क्योंकि ये यही कंसेप्ट ट्रेड आते हैं रेड बॉक्स ग्रीन बॉक्स रेड बैंड ग्रीन बैंड के बेसिस पे और देखो वन वे ये स्टॉक चला गया अभी दिक्कत क्या होती थी अगर ये स्टॉक समझो इधर खुलता था, था। तो ये स्टॉक इधर आने तक बायर्स आर ऑलरेडी प्रॉफिट तो ये चीज नीचे चले जाएगा ये चीज क्या हुआ इट हैज ओपन विद इन वन परसेंट का रेंट एंड देन इट हैज क्रॉस तो बायर्स आर टू मेक अ प्रॉफिट सो इट विल गिव यू अ गुड रिस्क रिवॉर्ड और आपका जो स्टॉप लॉस है दिया गया है स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस वगैरह हम देते हैं और प्लस क्या होता है और एक केस क्या जैसे मैंने आपको अवॉइड करने बोला कि गैप अप हो गया स्टॉक समझो इधर खुल गया स्टॉक ओपन ओवर ईयर स्टॉक ओपन ओवर ईयर एंड देन देर आर समय सर आपका पोजिशन आ गया मैंने ट्रेड ले लिया और उसके बाद यही होने वाला है इस उसमें वी कैनॉट हेल्प इट आउट क्योंकि मैंने बहुत अभी क्लियरली आपको बताया कि यू कैन चेक दी रिकॉर्डिंग लेटर ऑन क्योंकि ऑब्वियसली अपडेट हो गया और ये मैं हर वेबिनार सेशन में फिर से डिस्कस करने ही वाला हूँ क्योंकि नए क्लाइंट साइडअप होते हैं तो एजेंडा यही है कि मेरा यही फॉर्मेट से चलना है की जब ये स्टॉक नीचे से क्रॉस हो रहा है तो इट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट अगर ये स्टॉक एक्सट्रीम गैप अप हो रहा है तो मेक श्योर यू ट्राई टू अवॉइड दैट स्ट्रक्चर एक दिन ट्रेड नहीं करोगे इट इज गुड इनफ आपकी कैपिटल सेव होगी जिस दिन ट्रेड मिलना है उस दिन हमें सिक्स मारना ही है उस पर तो वही हमें बस एम रखना है जब भी आप ट्रेड करते हो तो केस वन केस टू केस थ्री मैंने डिफाइन कर दिया है यहाँ पे आई होप दिस डाउट्स विल बी क्लियर तो कमिंग ऑन टू निफ्टी बैंक निफ्टी ओ एनालिटिक्स तो एक हमारा फीचर है निफ्टी बैंक निफ्टी में ओ एनालिटिक्स करके तो लेट्स हैव अ शिफ्ट टुवर्ड्स इंडेक्स आई होप स्टॉक्स के बारे में सब कुछ क्लियरिटी है ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करना है ये सारे कैसे ट्रेड लेने हैं तो हम बाद में क्वेरी चेक करूंगा हम ये भी क्वेरी शॉर्ट आउट हो जाएगी अभी बैंक निफ्टी जैसे अगर मैं जब देखता हूँ तो उसमें भी मैंने कुछ क्राइटेरियाज अभी सेट किए है की कि जहाँ पे आपको चार्ट स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री सेम वे मैंने एक एक्सप्लेन किया है कि पहले तो क्या हमें देखना है की एक घंटे हो गए उसके बाद ये डॉटेड लाइन्स अवेलेबल नहीं होगी और प्लस मैंने जैसे आपको बताया की यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए वॉच आउट फॉर प्राइस सस्टेनिंग अब और बिलो डॉटेड लाइन मतलब एटलीस्ट थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स ये प्लीज ये क्लियरली अंडरस्टैंड कीजिए मार्केट आते बराबर आप ग्रीन डॉट्स पे ट्रेड ना ले क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स ने क्या किया सर ग्रीन डॉट तो आ गया मैंने ट्रेड ले लिया दिन दिन चार दिन आपको प्रॉफिट देगा पांचवे दिन बड़ा लॉस लेके जाएगा तो राधर देन जो हम सेटअप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आने दो यहाँ पे तीस चालीस मिनट सस्टेन करने दो उसके बाद अगर ऊपर जाते हैं तो देन यूर टेक योर ट्रेड एज पर रेंज ब्रेकआउट सो दैट इज द क्लियर थिंग क्योंकि उसको जब तक सस्टेन नहीं करोगे उसके बेसिस पे ही आपको वो ट्रेड उठाने उसके ऊपर पे तो आपका जो स्टेप वन होता है इंडेक्स में जब आप स्पेशली ट्रेड कर रहे हो तो sure so, आप अगर green dots के ऊपर कर रहे हो तो green dots के ऊपर ये sustaining होना चाहिए जैसे पे sustain हो गया अभी चलो तो हो गया तो क्या हमें बाय करना चाहिए तो मेरा सेकंड कन्फर्मेशन क्या आता है स्टेप जैसे मैंने स्टेप टू लिखा है तो स्टेप टू हमारा क्या होता है कि चेक इफ डॉटेड लाइन आर कोइंसाइडिंग विद एनी ट्रेड क्लू लेवल मतलब आपकी दूसरी कन्फर्मेशन आप चेक करोगे कि फर्स्ट कन्फर्मेशन तो डॉटेड लाइन आ गई दूसरी कन्फर्मेशन मैंने टेक लेवल्स और ऑप्शंस लेवल पे अपडेट कर दे तो यहाँ पे कौन से लेवल्स है मैक्स कॉल ओ जो है वो फोर्टी थ्री थ्री हंड्रेड जीरो टू पे है राइट थ्री जीरो टू मैक्स पुट ओ है फोर्टी थ्री टू हंड्रेड पे और ये सारे लेवल्स है तीन लेवल और उसके बाद देखो ऊपर कोई लेवल है नहीं मतलब आपकी जो ब्रेकआउट जोन होती है वो क्या होती है बिटवीन दिस टू पैरामीटर्स ठीक है आपकी ये ब्रेकआउट जोन हो गई 43300 से लेके 43500 200 पॉइंट का ब्रेकआउट हो सकता है बट ये चीज कब होगा जब आप एक यहाँ पे एक पे रेंज बन गई आपकी बराबर है 30 40 मिनट्स की कैसे 30 40 मिनट्स हो गए ये ये देखो फर्स्ट कैंडल कितने बजे का है लास्ट कैंडल कितने बजे का एक रेंज बन गया यहाँ पे अभी एक कैंडल अगर कोई यहाँ पे आपका क्लोज हो जाता है स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल इफ यू आर बाइंग अ स्टॉक बाइंग इंडेक्स बेसिकली निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो तो आप जाके ट्रेड लोगे आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे या ग्रीन डॉट्स के नीचे या अगर ट्रेल करना है तो इसके नीचे होगा और आपका जो टारगेट रहेगा वो अपकमिंग लेवल तो आपका जो स्टेप टू मैंने आपको बताया कि बस ग्रीन डॉट्स आने से आपको वो ट्रैक नहीं करना है तो दैट इज यू नीड टू क्योंकि ट्रेडिंग इतना सिंपल होता तो सभी लोग ट्रेडर बन जाते थे राइट थोड़ा हमें भी एफर्ट्स डालना होता है थोड़ा हमें भी पेशेंटली वेट करना होता है उसके बाद ही हम उसके ऊपर इम्प्रोवाइज कर सकते हैं तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था जैसे मैंने आपको बताया कि डॉटेड लाइंस आर और स्टेप वन डॉटेड लाइंस आ गया ठीक है तीस मिनट हमने रुका उसके ऊपर रेंज बना रहा है एक रेंज प्लॉट हो गई आपकी तो वो रेड के ऊपर अगर प्लॉट हो रही है समझो रेड डॉटेड लाइन है उसके ऊपर प्लॉट हो रही है तो एक मैं एग्जाम्पल आपको शो करूंगा आई गेस uh, कल का ही बैंक निफ्टी था जहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स को क्वेरी था कि सर रेड डॉट्स है बट ये ऊपर प्लॉट हो गया अभी क्या करें तो ऊपर प्लॉट हो गया तो आप अगर ये जैसे मैंने बताया ग्रीन गुड ग्रीन बार आ गया ट्रेड कर सकते हो अपोजिट साइड पे जैसे उसको सेलर ट्रैप सीनेरियो जो हम रेड बॉक्स ट्रैप सीनेरियो पे प्ले आउट करते हैं ना यहाँ पे जैसे रेड डॉट रेड बॉक्स ट्रैप हो गया ना यहाँ पे सेलर तो सेम वेज आपके यह, यहाँ पे भी ट्रैप हो सकते हैं तो एजेंडा यही होगा कि उसके ऊपर आराम से तीस मिनट आप रुके रहो यू वेट फॉर दैट मच पीरियड ऑफ टाइम उसके बाद स्टेप टू क्या होता है हमारा मैंने जैसे बताया स्टेप टू क्या है तो ये चीज आप नोट डाउन करो आपके एंड पे स्क्रीन मार सकते हो मेरे स्क्रीन का की चेक इफ डॉटेड लाइन आर को इनसाइडिंग विद एनी ट्रेड क्लू लेवल तो क्रेड क्लू लेवल क्या होते हैं हमारे डब्ल्यू मतलब वीकली रेजिस्टेंस मैक्स पुट ओ आई मतलब मैक्सिमम पुट राइटिंग जोन कहाँ पे है मैक्स कॉल ओ आई मतलब मैक्सिमम कॉल राइटिंग जोन कहाँ पे है और ये डेली रेजिस्टेंस हो गया डेली सपोर्ट हो गया और सेम बेस तो एजेंडा ये है कि देखो प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रहा है मैक्स पुट लेवल और मैक्स कॉल लेवल पे सो बेसिक एजेंडा ये है कि हमें यही चेक करना है कि अगर ये सस्टेन हो रहा है तो आप कितना कंफर्मेशन है आपके पास सस्टेनिंग का एक तो ग्रीन बॉक्स है जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द सेशन बताया कि ग्रीन बॉक्स मतलब गुड बाइंग जोन अभी देखो मेरे पास कल बैंक निफ्टी में ग्रीन बॉक्स था और आई डोंट नो सम ऑफ द क्लाइंट्स माइट बी नोइंग मैंने पर्सनली जिसने मुझे पूछा था की सर क्या कर सकते तो आई जस्ट देम अ डायग्राम ऑफ ऊपर जाके यहाँ पे अगर सस्टेन करता है डबल बॉटम बना के तो पक्का निकलेगा आई डेंट न्यू कि इतना बड़ा जाने वाले ऊपर बट ऑब्वियसली एनालिटिक्स वॉज दिस के ऊपर जाएगा अभी क्यों ये एनालिटिक्स था मेरे फेवर में क्योंकि देखो यहाँ पे प्राइस तो आ गया अभी रेड डॉट्स है तो आई विल बी प्रेटी मच कॉशियस ठीक है तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया ठीक है ये बॉक्स बन गया यहाँ पे तो खुल गया अभी ऑब्वियस कल ऑप्शन आ... एक्सपायरी uh, डे था मंथली एक्सपायरी था तो ऑप्शन सेलिंग भी बहुत प्रॉफिटेबल होता है तो आप नीचे के कॉल ऑप्शन सॉरी पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो जब आपको साइडवेज भी रहा तो भी आई वाज वेरी मच यहाँ पे हम प्रॉफिटेबल थे क्योंकि ऑप्शन सेलिंग भी कर दिए थे यहाँ पे क्योंकि मेजर सपोर्ट अभी मेजर सपोर्ट कैसे हो सकता है मैक्सिमम पुट राइटिंग जोन है यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैक्सिमम पुट राइटर्स है पुट राइट कब करते है पुट सेल कब करते है जब आप मार्केट पे वहां पे बुलिश है और ये बिग प्लेयर्स है तो हमें बिग प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंडेक्स देखना है तो इसी के कारण वो पुट राइटिंग ज़ोन हो गया सेम वेज आप चेक करोगे यहां पे एक वीकली का भी लेवल है वीकली रेजिस्टेंस अगर आपने चेंज इन पोलैरिटी कांसेप्ट सुना हो गया वो सुना होगा तो देखो आप रेजिस्टेंस टर्निंग इनटू सपोर्ट सपोर्ट टर्निंग इनटू रेजिस्टेंस तो बेसिकली ये वीकली एक आपका सपोर्ट एक्ट कर रहा है तो ये सस्टेन भी कर रहा है तो दो सेकंड कंफर्मेशन हो गया वीकली सपोर्ट हो गया यहां पे मैक्स पुट ओआई एक कंफर्मेशन है ग्रीन बॉक्स है गिरा हुआ इंडेक्स है मतलब ग्रीन बॉक्स आपका सपोर्ट एक्ट करेगा तो थर्ड कंफर्मेशन हो गया और फोर्थ कंफर्मेशन आप अगर चेक करोगे तो आपका लास्ट कंफर्मेशन आपको देगा क्या आपका इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस तो स्टेप थ्री क्या होता है चेक इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस जहां पे आपको देखना है लॉन्गेस्ट ग्रीन बार कहाँ पे वो आपका मेजर सपोर्ट रहेगा लॉन्गेस्ट रेड बार कहाँ पे वो आपका मेजर रेजिस्टेंस रहेगा और सेम वे चेक फिफ्टीन मिनट लाइव हो फॉर मोर कंफर्मेशन जब ये जब तीन स्टेप आपके टिक मार्क हो जाएंगे तो वन टिक टू टिक थ्री टिक सब टिक हो गया तो ही जाके आप इंडेक्स ट्रेड करो देखो इंडेक्स ट्रेडिंग इज नॉट अ केक वॉक आप जाके डायरेक्टली ऑप्शन बाय कर लिए हो गया ऑप्शन 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 सेल कर पुट बाय किया हो गया कॉल ऑप्शन सेल किया मजाक के लिए हो गया क्योंकि आपका ये लॉसेज भी बहुत बड़ा हो गया डोंट जस्ट लुक एट द प्रॉफिट थिंग तो प्रॉफिट पे आप पागल मत हो जाइए क्योंकि लॉसेज भी उतना ही बड़ा होगा जो ट्रेडर है उनको पता है कि क्या कैसे ट्रेड किया जाता है बट जो लोग नोविस ट्रेडर है उनको बहुत भटकाया जाता है ये आ, क्रीमी एड्स और ये सारे एड्स से ऑप्शन ट्रेड करो ये ट्रेड करो बट उनको ये चीज पता नहीं होती थी कि थीटा डीके क्या होता है ऑप्शन बाइंग इज लाइक अ टाइम बॉम्ब अगर आप दो तीन टेक में अगर ब्रेकआउट के बाद नहीं निकले तो माइट भी आपका पूरा ड्रॉडाउन भी हो सकता है और प्लस लॉसेस भी डबल हो सकता है तो ये चीज कोई बताएगा नहीं आपको कोई भी तो ये चीज मैं खुद बता रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता आप ट्रेड क्लू सब्सक्राइबर बनोगे आगे जाके या नहीं बनोगे बहुत सारे नए डेमोज भी है बट ये एक वार्निंग है कि ऑप्शन ट्रेडिंग इज नॉट अ होली ग्रेल की आप डायरेक्टली जाके ट्रेड कर लिया उसमें तो ये चीज जब आपके फेवर में जब ये तीन चार टिक आ जाएंगे तो ही आई एम मच रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेड तो वही है तो आप जब इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस आप चेक करोगे जैसे मैंने आपको थर्ड वाला ऑप्शन बताया कि लॉन्गेस्ट ग्रीन बार कहाँ पे लॉन्गेस्ट रेड बार कहाँ पे तो ये चीज आपको चेक करनी है इसमें राइट तो उसमें देखो लॉन्गेस्ट रेड बार मेरा यहाँ पे आज फोर्टी थ्री टू हंड्रेड है लॉन्गेस्ट दिन बार 43000 है मतलब ये मेरा हाईएस्ट सपोर्टर बनेगा सेकंड कहाँ पे 42500 मतलब अगर यहाँ से देखा जाए तो डायरेक्टली ये 42500 तक जाने की क्षमता रखता है और ऊपर देखो सारे रेड बार है मतलब लोगों ने यहाँ पे कॉल सेल करिए हुए हैं मतलब लोग बेरिश है ऊपर के साइड पे क्यों बेरिश है कॉमन सेंस है कल इतना बड़ा एक्सट्रीम मूव आ है तो लोग बाय तो करने नहीं वाले और जो जिनको पता नहीं है टेक्निकल एनालिसिस वो लोग कॉल लेके बैठ जाएंगे जाना ही नहीं ऊपर क्योंकि मैं सुबह से ही बोल रहा हूँ कि हमने मार्केट में भी डाले अगर एक्सट्रीम मूव आया हुआ है तो लुकआउट फॉर अ रिवर्सल नॉ लुकआउट फॉर अ ब्रेकआउट राइट क्योंकि ब्रेकआउट ऑलरेडी हो गए ब्रेकआउट के बाद कभी दूसरा ब्रेकआउट नहीं होता चांसेस कम होते ब्रेकआउट के बाद हमेशा फिर से रिवर्सल ही आने वाला है तो ये आपको ध्यान रखना है ऑप्शन एनालिसिस में मुझे क्या देखना है कि यहाँ पे रेड बार्स कितने बने हुए हैं हाईएस्ट रेड बार मुझे देखना है कौन सा लेवल है और उसी तरीका अभी कल के दिन में फोर्टी टू फाइव हंड्रेड भी सपोर्ट जोन था अभी ये जो लेटेस्ट एक्सपायरी है लास्ट फिफ्टीन मिनट पे चेक करता हूं तो देखो फिफ्टीन मिनट पे तो फोर्टी थ्री थाउजेंड का जो पुट राइटिंग है सपोर्ट जोन है वो तो है बट देखो एक होता है जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो फॉल आ सकते हैं तो फॉल आया तो किधर तक आ सकता है फोर्टी टू एट हंड्रेड है नेक्स्ट लेवल और उसके बाद तो अभी तक कोई जनरेट हुआ नहीं है बट एटलीस्ट फोर्टी थ्री थाउजेंड इज अ गुड सपोर्ट जोन और उसके ऊपर फोर्टी थ्री वन हंड्रेड इज अक्स्ट रेजिस्टेंट जोन और ये लास्ट फिफ्टी मिनट का स्टोरी है मतलब लास्ट पंद्रह मिनट में ओ आई मुझे क्या बता रहा है लाइव ओ आई है, है ये बेसिकली ये बेसिकली क्या बता रहे की फोर्टी थ्री थाउजेंड पे अच्छा खासा पुट राइटिंग हो रहा है बढ़ते जा रहा है तो मतलब ये अच्छा सपोर्ट है अगर आप अभी देखोगे तो चार्ट नीचे आ गया और फोर्टी थ्री थाउजेंड पे अभी होल्ड कर रहा है राइट अभी यहाँ पे रेड बॉक्स है ये सारा बॉक्स है ठीक है बट आपका जो इंट्राडे ऑप्शन एनालिटिक्स क्या बता रहा है कि 43,000 सपोर्ट पे है यहाँ पे फिलहाल तो और प्लस यहाँ पे एक्सट्रीम मूव है तो सेलिंग तो आना ही था आज के मार्केट में थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग होगा ही तो वही है कि जब सस्टेन कर रहा है ब्रेकआउट दे देता था ऊपर कोई लेवल नहीं है अगर इंट्राडे ऑप्शन एनालिटिक्स मुझे ये सारा बता रहा है कि वहां पे क्लैरिटी है ऊपर के लिए तो इट इज मच श्योर अपसाइड आ जाएगा तो वो आपको एक ध्यान देना है जब भी आप इंडेक्स ट्रेड करोगे तो ये स्टेप्स ध्यान दो कि पहले आप डॉटेड लाइंस देखो डॉटेड लाइंस पे 30 से 40 मिनट तक सस्टेन कर रहा है क्या साइडवेज रेंज बना रहा है क्या डॉटेड लाइंस आते आते देखो ट्रेड मत करो क्योंकि क्या होगा कि माइड भी आप दो तीन बार बराबर जाओगे क्या पे आ गया चलो ग्रीन डॉट आ गया एक स्कैल्प ट्रेड मिल गया उसके बाद दो तीन स्कैल्प हो जाएगा आपका देखो स्कैल्प ट्रेड तो आप कहाँ पे भी मार सकते हो लेवल्स पे बट जब आप सस्टेनेबल ट्रेड चाहते हो तो एक वही फॉर्मेट फॉलो करो जो हमने अभी मेंशन किया है और ये चीज मैं हर वेबिनार में यही रिपीट करने वाला हूँ ताकि आपकी भी एक रिविजन हो जाए और उस हिसाब से और सेकेंड चीज आपको चेक करने की डॉटेड लाइन्स कोई लेवल के साथ आ रहे क्या तो देखो डॉटेड लाइन्स मुझे सारे नहीं ट्रेड करने तो और एक मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ जहाँ पे बहुत सारे डॉटेड लाइन अभी देखो यहाँ पे अट्ठाईस दिसंबर का है शायद से ये स्टार्ट तो यहाँ पे स्ट्रक्चर गया ऊपर ये क्या बन गया यहाँ पे बॉक्स हो गया तो वन टिक हो गया डॉटेड लाइन विथ वॉट मैक्स कॉल कॉल राइटर्स का जोन है डेली रेजिस्टेंस है तो तीन टिक हो गया आपके मतलब रेजिस्टेंस के साथ है डॉटेड लाइंस और प्लस जब आप इंट्राडे एनालिटिक्स अभी मेरे पास उसका इमेज नहीं है और अगर यहाँ पे अः बढ़ते जा रहा होगा ग्रेड बार तो ऑब्वियसली एक डाउनफॉल आ सकता है तो ये चीज इतनी इजिली आप ट्रेड कर सकते हो बट जस्ट मेक श्योर की आपके फेवर में सारे कन्फर्मेशन चले जाओ उसके बाद ही आप कोई भी डिसीजन ले लो डायरेक्टली ऑप्शन बाइंग विल बी अ टाइम बॉम्ब इट नीड टू बी प्रीटी मच कन्फर्मेशन जिससे आपको ट्रेड क्लो आपको इजियर वे से आपको ये कन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि लेवल्स दे रही है डायनामिकली क्योंकि आप बाकी साइट देखोगे यूजली लोग वेबसाइट्स देखते है जहां पे 16 लाख पी बढ़ रहा है 13 लाख सी घट रहा है ये घट रहा है वो घट रहा है करते बैठेगे एक्सेल शीट देखेंगे और नंबर्स में उसमें ही कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए वो सब चीज में हमने डाला नहीं है कोई क्लाइंट्स को हमने ग्राफिकल फॉर्मेट में दिया है कि जिससे आपको रेड ग्रीन नॉर्मल कलर से आपको दिखेगा कि कहाँ पे लेवल्स है कहाँ पे रेजिस्टेंस है फॉर्मेट भी हमने एक्सप्लेन किए हैं स्टेप्स एक्सप्लेन किए नाउ इट इज अप टू यू ऑब्वियसली वील बी ऑल्सो पोस्टिंग सच थिंग्स ऑन दी प्रीमियम ग्रुप एज वेल जहाँ पे हम अपडेट देते हैं और आगे जाके स्ट्रीमलाइन करके और अपडेट्स आएंगे रेगुलर बेसिस पे बट वही हमारा एक रहेगा कि इंडेक्स रिगार्डिंग क्या क्या अपडेट्स देने तो बेसिकली आई होप दिस इंडेक्स का इज क्लियर और रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली तो बहुत इंपॉर्टेंट है पोजिशन साइजिंग इसके बिना ये सारा अधूरा है अगर ये आप फॉलो नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना है तो रिस्क मैनेजमेंट एज इन क्या कर सकते हो आपकी एक प्रॉपर रिस्क पर ट्रेड मेंटेन करो जब आप स्टॉक्स ट्रेड करते हो जैसे मैंने आपको बताया तो और प्लस आपकी बाकी रिस्क मैनेजमेंट होगी आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की किस दिन आपको रिवर्सल ट्रेड करना है किस दिन ब्रेकआउट ट्रेड करना है ये पहला ही माइंड में मेकअप कर लो आपकी और प्लस क्या क्या रिस्क होगी जैसे रिस्क पर ट्रेड होता है लाइक अगर मेरी कैपेसिटी समझो अगर वन थाउजेंड रुपीज रिस्क पर ट्रेड है तो मैं उसी उसके ही रिस्क के हिसाब से मैं पोजीशन साइज करूंगा मेरी तो एंट्री माइनस स्टॉप लॉस जैसे अगर समझो मेरी एंट्री प्राइस है हंड्रेड रुपीज स्टॉप लॉस है मेरा नाइन्टी एट रुपीज़ तो मेरा डिफरेंस क्या हो जाता है टू पॉइंट्स का डिफरेंस हो जाता है तो बेसिकली हंड थाउजेंड समझो मेरा रिस्क पर ट्रेड है डिवाइड बाई टू करता हूँ मैं तो नॉर्मल अपना स्कूल वाला कैलकुलेशन ये पांच जीरो जीरो देखो कैलकुलेटर भी यूज करने की गरत नहीं है तो पांच सौ क्वान्टिटी ही मैं ट्रेड करूंगा इसमें ये पर्टिकुलर ट्रेड में नॉट मोर देन डेट मतलब से अगर भी हो जाता नाइनटी एट का तो मेरा कितना जाएगा ज्यादा से ज्यादा थाउजेंड रुपीज का लॉस होगा बट उसके फेवर में समझो अगर एक चला गया एक चला गया तो इट विल बी इधर टू प्रॉफिट थ्री प्रॉफिट उस हिसाब से तो हमेशा पोजिशन साइजिंग करना सीखो प्रॉपरली ट्रेड लो या फिक्स ट्रेड वैल्यू रखो इफ यूर ट्रेडिंग विद फिफ्टी ट्रेड वैल्यू और ऐसा है नहीं

Uh, रिवर्सल ट्रेड करना है तो रिवर्सल में रेड बैंड ये सारा ही चेक करके आप ट्रेड कर लो तो ये वो आपको प्रॉफिटेबल होगा हमें ट्रेड ज्यादा ढूंढने नहीं है लिमिटेड ट्रेड्स बट इफेक्टिव ट्रेड्स वी वॉन्ट सकते हो ये वेबिनार की तो आप फिर से डॉक्यूमेंट में प्रीमियम ग्रुप में अपडेट किया जाएगा ये डॉक्यूमेंट तो प्रिटी मच आप भी इन लाइन हो जाओगे सर एनी सर कैन यू डिस्कस फ्यू कैंडल स्टिक्स विच कैन हेल्प अस टू जम्पिन

देखो कहाँ पे रेड ग्रीन बॉक्स है पे रेड ग्रीन बॉक्स है जैसे मैंने कहासर मोटर चेक किया मैंने पहला फिफ्टीन मिनट का स्ट्रक्चर देखा देखा तो एक एक्सट्रीम मूव है बहुत टाइम से ये भागते जा रहे हैं ऊपर और रेड बैंड पे तो ये मैंने 15 मिनट्स में डिसाइड किया इस पे मुझे रिवर्सल पे ही ट्रैक करना है ना कि ब्रेकआउट पे ट्रैक करना है ठीक है 15 मिनट्स आफ्टर मार्केट और इंट्राडे एग्जीक्यूशन वन थ्री फाइव मिनट फाइव मिनट गुड फॉर बिगिनर्स वन मिनट जो अगर प्रो ट्रेडर्स है जिनको कॉन्फिडेंस है अपने ट्रेडिंग पे वही वन मिनट पे ट्रेड करे sir i am pro user but still not able to understand how to use agar introductory video up with hai Vidya with uh, uh, the introductory video is here available on the trade clue website itself uh, english as well as hindi so those guys who are comfortable with any language you can just check out our videos uh, you will have a clear understanding about it Yes, अभी का आपका एक क्वेरी है कि मेरा ट्रायल 31 को खत्म हो रहा है अगर आज मैं सब्सक्राइब करूंगा तो क्या फर्स्ट जनवरी से शुरू होगा देखो जब आप आज सब्सक्राइब करोगे तो थर्टीएथ दिसंबर से ही सब्सक्रिप्शन होगा और ते से लेके थर्टीए दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तक सब्सक्रिप्शन होगा अगर समझो आप करंट यूजर हो और आपके पास आ, आप जैसे हमने बताया कि इफ यू आर ऑलरेडी एन यूजर ऑलरेडी सब्सक्राइब टू ट्रेड क्लू तो आप देख सकते हो कि ऑफर विल बी एक्टिवेटेड आफ्टर योर एक्जिस्टिंग प्लान गेट्स ओवर मतलब उसके बाद ही आपका कंटिन्यूएशन चालू होगा समझो अगर मेरा मार्च में खत्म हो रहा है ट्रेड क्लू का प्लान तो आई कैन सब्सक्राइब नाउ सो दैट मेरा मार्च से नेक्स्ट 1 ईयर का प्लान चालू हो जाएगा तो दैट विल बी टिल मार्च 2024 बेसिकली तो so, ये एक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी जो एग्जिस्टिंग ट्रेड ग्लू यूजर्स है जो प्रीमियम क्लाइंट है उसके रिगार्डिंग और जो बेनिफिट्स हमने हमारे लैंडिंग पेज पे मेंशन किए हैं अगर जिन्हें लिंक पता नहीं है तो आई एम जस्ट पोस्टिंग इट दिस इन द चैट बॉक्स तो आपको भी एक अपडेट मिल जाएगा उस न चेक लेटर एंड इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है कि मोस्टली मोस्ट ऑफ आर क्लाइंट्स आर ऑल्सो Demanding for Hindi. So earlier we used to do the webinar on English. But if you have any doubts with us, you can connect with me over WhatsApp. I'll uh, try to arrange a session uh, with a support team on any desk. They will connect with you. If you are a premium client, obviously they will try to make you understand any kind of doubts on the through any desk. So you can connect with them. So not an issue. Even if you don't understand, get back to us on a support number, which is mentioned over here. So we'll help you out with it. अलर्ट कैनोट बी क्रिएटेड जयंत जी क्योंकि ब्रोकर आई डी तो है नहीं ये चार्टिंग टूल है तो अलर्ट तो हमने फिलहाल तो ये फीचर है नहीं बट इट एजीड बैक सी टू इट लेटर ऑन इंट्राडे ऑप्शनिस बहुत लोगों को डिफिकल्टी थी कि आज सर इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस नहीं दिख रहे थे नाइन फिफ्टीन को तो so, जब भी नया एक्सपायरी स्टार्ट होता है तो फर्स्ट हाफ एन आवर एन एस डेटा प्रोवाइड नहीं करता हमें वेंडर्स को तो उसके कारण वो डेटा आता नहीं है आफ्टर नाइन थर्टी इट विल बी विजिबल टू यू सो एंड आफ्टर नाइन थर्टी वो आप सभी को विजिबल था तो आई होप दिस इज क्लियर पे भी देखो मेंशन है टाइमिंग नाइन थर्टी से लेके दो बज के दस मिनट जो करंट टाइम चल रहा है बट नाइन थर्ट से ही आपको डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा एक्सपायरी के नेक्स्ट दिन के बाद बेसिकली या रेगुलर डेज पे भी क्योंकि फर्स्ट फिफ्टीन मिनट में ओ वगैरह कोई देखता नहीं है गिरीश जी वॉट हैपन्स इन दी फर्स्ट फिफ्टी मिनट नो बड़ी सीज ओ पीपल ट्रेड ऑन ब्रेकआउट रिवर्सल स्कैल्प ट्रेड करने वाले बहुत होते हैं एक बार आधे घंटे जब मार्केट सेटल हो जाता है उसके बाद हमें ओपन इंटरेस्ट या ये सब चीजें हमें चेक करनी है प्रदीप जाधव आई होप दिस इज क्लियर आई होप तुम्हारा समझ ला निफ्टी लाइव ट्रेनिंग परडियो चेक करू सकता सपोर्ट टीम वरती कनेक्ट करू वक्ता नीरज आई एम ठीक है और वी हैईज क्यू एन एशन ऑन रेग्युर बेसिस हर दिन वो क्यू एन सेशन चलते आफ्टर मार्केट सो वेरीना ट्रेडर टेक्स दी क्यू एन सेशन जो भी आपको दिक्कतें आती है तो उसमें आप कनेक्ट कर सकते हो करेक्टेड वर्जन ऑफ योर नोट पैड करेक्टेड वर्जन शेयर इन दी व्हाट्सएप ग्रुप वी नू ऑलो यू कैन वॉच देशन वंस अगेन ऑन दूट्यूब चैनल ऑन ट्रेड ट्रू यू टूब चैनल यू कैन गेट द रिकॉर्डिंग ओर देर एज वर वी ट्राई टू कनेक्ट दिस ऑन रेग्युलर बेसिस ताकि द न्यू यूजर्स कैन गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिसका भी एक रिवाइंड अच्छा रिगार्डिंग की सर रेगुलर बेसिसनेक्ट करते रहिए ताकि आपको भी एक अंडर हमें भी एक कॉन्फिडेंस uh, बिल्डअप हो जाता है आपको ट्रैक पे रखना है उसके हिसाब से आपको वो ट्रेड करना होगा बैंक का सेल कि एक बार इसमें रिवर्सल बन सकता है क्या यस yes, रिवर्सल बन सकता है विनीत यादव जस्ट मेक श्योर कि ऐसा कुछ अगर पैटर्न बन जाए यहाँ पे जाके और फिर यहाँ पे एम पैटर्न या बन जाए तो आप यहाँ पे किधर तो आप ट्रेड ले सकते हो इट इज एक्चुअली गुड पिक विनीत आई कीप अर ट्रैक मुझे ट्रेड मिला तो मैं खुद भी ट्रेड ले लूंगा no. बट अच्छा है कि ये डेली रेजिस्टेंस है आप श्योरली uh, आप भी ये uh, एक चेक पे रख सकते हो कैनरा बैंक क्योंकि ऑलरेडी देखो आप स्टॉक वन वे एक्सट्रीम चला गया है और रेड बैंड मैक्स कॉल ओआ है तो यहाँ पे अगर कुछ यहाँ पे आपको अगर डबल बॉटम काइंड ऑफ ऐसा पैटर्न मिल जाता है तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो आपका स्टॉप लॉस जो होगा ये इधर दिस स्विंग है और अबाउ दी रेड बैंड ठीक है अभी तक तो, तो बना नहीं है माइट भी आज ना बने बट कल या जब भी बनेगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट ऑन द सेल साइड आई वांट टू बी बाइंग एट दिस जंक्सर बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम मोर और प्रीवियस सेलिंग भी यहाँ से ही आया है तो इट विल बी अ गुड लेवल टू अंडरस्टैंड गुड Uh, तोफान जी आई होप दिस इज क्लियर इन टूडेज सेशन की हाउ टू कॉन्फिडेंटली एंटर आप बहुत अच्छे से ट्रेड भी करते हो हमें पता है कि आप प्रीमियम क्लाइंट हो हमारे तो आई होप दिस इज प्री मच क्लियर आप डॉक्यूमेंट गो थ्रू कर सकते हो फिर से डॉक्यूमेंट में आपको अगर कोई भी डाउट्स आता है यू कैन कम अप टू अस ऑन आर सपोर्ट नंबर आपके सारे डाउट्स हम क्लियर कर देंगे फिर से सर मॉर्निंग आई शेड दिस स्टॉक चार्ट विच स्टॉक चार्ट बट शम्बू लिंग्या आई नो टारगेट टारगेट विल भी इधर एज पर योर रिस्क रिवॉर्ड अगर मैं हंड्रेड रुपीज रिस्क दे रहा हूँ एटलीस्ट मुझे इन रिवॉर्ड तो दैट्स ट्रेल भी करो जब आपके फेवर में वन इज टू वन जाता है तो जयं जी टारगेट कैन बी सेट एज पर नेक्स्ट प्रेड फ्लू लेवल रेजिस्टेंस लेवल विच इज द बेस्ट टाइम फ्रेम प्रमोदी प्रोफेशनल ट्रेडर आप रेगुलरली ट्रेड करते हो तो वन मिनट पे भी ब्रेकआउट ट्रैक किया जा सकता है बट फॉर कॉन्फिडेंशियल ट्रेडिंग यू कैन डू फाइव मिनट का ब्रेकआउट ट्रेडिंग और आफ्टर मार्केट एनालिसिस ऑन फिफ्टीन मिनट वन आवर चार्ट तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी केस टू एंट्री इज एनवाई पैटर्न तो फन आई होप जो भी ऐसा पैटर्न कुछ बनेगा तो उसमें आपको एंटर करना है यहाँ पे और ये आपका स्टॉप लॉस होगा और उसके रिगार्डिंग आप ट्रेड ले सकते हैं थर्टी फोर्टी मिनट्स के लिए सस्टेन करना है ब्रेकआउट देना है उसके बाद तो फान विच लेवल गिव मोर प्रायोरिटी आई हैस्ट मेन्शन ओवर यर की प्रायोरिटी वाले लेवल्स तो हमारे फर्स्ट जो एनालिटिक्स आती है रेड ग्रीन बॉक्स ये सब से आती है और हर चीज के लिए एक एनालिटिकल है जैसे इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ तो मैं ये सारे चीजें देखूंगा स्टॉक्स ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे ये सारे तीन चीजें देखनी है कि कहाँ कहाँ पे है रेड ग्रीन बॉक्स रेड ग्रीन बैंड तो यही प्रायोरिटी है और जो भी ट्रेड फ्लू लेवल है वो सारे यूनिक ही लेवल्स है कॉमन प्योअ लेवल्स नहीं है कि डायरेक्टली हमने कहाँ से भी उठा के दे दिए तो बहुत एनालिटिकल से ही वो लेवल्स है डेटा पॉइंट से लेवल मिले हुए हैं तो यू कैन रिलाई ऑन दिस लेवल्स बेसिकली

Point of view. So we need to see कि 15 डाउट इज क्लियर वाई चेंज में बस हमें यही देखना है की हाइएस्ट रेड बार और हाइएस्ट ग्रीन बार कहा बना है और वही हमें नोट डाउन करना है बस उतना ही देखना है पहला तो फर्स्ट रेडियो बटन जो है टोटल डेटा और उसके बाद आता है लास्ट फिफ्टीन मिनट्स में क्या बता रहा तो 15 43, 500, 43, 200, 43, है तो लास्ट फिफ्टी मिनट में फोर्टी थ्री फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री टू हंड्रेड रेजिस्टेंस और फोर्टी थ्री थाउजेंड जैसे हमने स्टार्ट ऑफ द सेशन है तो पे सपोर्ट था तो बस हमें उतना ही चेक करना है यस सर गॉट इट वेल एक्सप्लेन नाउ आई नीड टू स्टडी थरली दिस रिकॉर्डिंग येस इवन इफ यू हैव गॉट एनी क्वेरीज यू कैन कम बैक टू अस ऑन अ सपोर्ट नंबर

सेशन इज वेरी यूजफुल थैंक यू सर येस प्रतीक टूडे ओनली यूर सब्सक्राइब आई होप यू विलेटिंग अ गुड सपोर्ट फ्रॉम अस एज वेल यू कैन कनेक्ट विथ अस एनी टाइम देर ऑल आर वेरी नियर टू ई अदर इज दिस अप्रोच इज करेक्ट अबिक फॉर आईसीआईसीक बट डेट देर इज नो मेजर सेलिंग इट कैन कम टिल डाउन साइड देन वी कैन प्ल आउट प्लान इफ इफ यू गेट अ काइंड ऑफ अ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पैटर्न ऑफ सच तो यहाँ तक आने दो उसे कुछ आने तो जब रिवर्सल आएगा तब यू कैन प्लान क्योंकि ऊपर फिर से सपोर्ट बहुत है तो मैक्स इट कैन गो अराउंड डायरेक्टली फ्रॉम ट्रेड ट्रेड करना है तो यू नीड टू सब्सक्राइब ओपन एंड डीमेट अकाउंट विथ अस ऑन फायर और उसके बेसिस पे आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो और आपको अगर ट्रेड करना है तो मेक श्योर यू कनेक्ट विद अस आई विल गिव यू द प्रोसेस टू कनेक्ट योर फायर लॉग इन बेसिकली एक ब्रोकर ऐप है जहां से आप लॉग इन कर सकते हो तो डायरेक्टली पे अगर मैंने बी दबाया तो वहाँ पे बाय हो जाएगा मार्केट ऑर्डर सिमिलरली एस अगर मैं प्रेस करता हूँ तो वहाँ पे सेल हो जाएगा सेलिंग एल टी पी वॉट है सुशांता एल टीपीटेड ऑन ऑल स्टॉक्स बिकॉज इट विल क्रिएट मच Load on the system as well, because we our main agenda is to give the levels and all the breakout zones. So that is our main core focus. LTP, obviously going ahead will bring up these updates slow and steadily, but currently we are more focused on the strategies and breakout levels and all those things. Ah okay. uh, nifty stocks, Jayant and if you had to add straight away all the nifty stock, there is one. Uh, प्रोसेस विच आई कैन शो यू जस्ट ओपन दिस वॉल्यूम बजर क्वेरी इन दॉल्यूम बजर गेट ऑल दीज स्टॉक्स अरेज कर दो और साले पे प्लस प्लस करते जाओ, तो ये सारे एक साथ आपके एड हो जाएंगे तो यू कैन मेक श्योर यू कैन एड ऑल दीज स्टॉक्सर इन वन लाइन तो यू कैन ओनली ट्रैक दो स्टॉक्स ठीक है जस्ट अ शॉर्टकट गिविंग टू यू मल्टीपल चार्ट इज नॉट देर क्योंकि सब uh, यू

फॉर्म करना है फिर जाके हम फेक ब्रेकआउट पे दिमाग लगाएंगे पहले हमें बस ब्रेकआउट पे जो हमने सेटअप्स यहाँ पे डिस्क्राइब किया उससे पे ही प्रताप यू ट्राई टू गो एंड एनालाइज और यू कैन ट्रेड बट लोअर योर क्वांटिटी वैल्यू रिवर्सल मैंने बताया आपको कब ट्रेड करना है ब्रेकआउट भी बताया आपको यू कैन गो थ्रू दी वीडियो रिकॉर्डिंग्स वन अगेंड लेटर ऑन इन द इवनिंग और सो जब आपके कन्वीनियंस के हिसाब से और मैं ऑल्सो नेक्स्ट वीक वी वंस अगेन डिस्कस द सेम थिंग्स जो भी नए क्लाइंट्स है जो भी पुराने क्लाइंट्स है आपके लिए भी एक रिविजन हो जाएगा नो no डाउट What number represents list the list? Uh, which number you are uh, asking? I don't know, Jain. I hope uh, Imran I goes. So you just connect with me or WhatsApp. I'll uh, share you the process to go ahead, sir. From where we can see a watch list. Uh, the watch list will be available here. WL. This the intro video. You can check English and Hindi as well. So all the introductory video, a walkthrough video, it is a 10 minutes video. You can check and go through it. So all the features are explained quite crisply over there. All right, then uh, we'll sign off for today. This is the last session of this year. So have a happy new year coming. I will be connecting next year, yeah, next week. December, next Friday, we'll connect once again. एंड टिल देन फॉलो अप विद दी सेटअप ऑल दोज थिंग्स एंड मेक श्योर यू ट्रेड प्रॉपरली ट्रेड विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट क्योंकि एज आई सेड ये अगर नहीं फॉलो करोगे तो ये कुछ फायदे का नहीं है तो जस्ट मेक श्योर यू ट्रेड अकॉर्डिंगली एंड स्टे कनेक्टेड ओर ट्रेड क्लू जिन्हें न्यू ईयर सब्सक्रिप्शन लेना है जो लोग ऑफर पे ये करते हैं तो बेसिकली जस्ट क्लिक ओवर दिस ग्रैब यू ऑफर नाउ एंड यू कैन डायरेक्टली बिकॉज दिस सब्सक्रिप्शन विल गेट ओवर बाई टेन सेकेंड ऑफ जनवरी एज आई से मेक श्योर यू Uh, take this trade uh take this trade i'm saying <laughs> take this offer accordingly and have a happy weekend have a happy new year uh, let's connect the next week goodbye